आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। जैनदादावाड़ी में 450 साल पुराने मूलनायक महावीर स्वामी के तलघर मंदिर के जीर्णोद्धार के समय प्राचीन सीढ़ियां, दीवारें और बेदी मिली हैं, जो मंदिर की प्राचीनता को प्रमाणित कर रही हैं। आपको बता दें कि भगवान की दृष्टि दोष को दूर करने के लिए मंदिर में जीर्णोद्धार के दौरान 50 मीटर से अधिक लंबी सुरंग खोदी जा रही है। वर्धमान महावीर स्वामी जैन मंदिर दादावाड़ी भोगीपुरा शागन में 140 वर्ष पुराना मूल नायक भगवान महावीर स्वामी का मंदिर है, जिसके नीचे तलघर है जो कि 450 वर्ष प्राचीन बताया जा रहा है, जिसके प्रमाण भी महावीर स्वामी के तलघर मंदिर के जीर्णोद्वार के दौरान मिले हैं। जैन दादावाड़ी में भगवान की दृष्टि दोष को दूर करने के लिए मंदिर का जीर्णोद्वार किया जा रहा है, जिसको लेकर करीब 50 फुट से अधिक लंबी सुरंग खोदी जा रही है। सुरंग की खुदाई के दौरान तकरीबन 450 साल पुराने कुछ सीढ़ियां और मंदिर की वेदी और एक प्राचीन दीवार मिली है, जो इसके प्राचीन इतिहास को बताने के लिए काफी है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यही है कि अभी तक यहाँ पर जो एक हम लोग इतिहास के माध्यम से ही ये बता पाते थे कि यह मंदिर बहुत प्राचीन है, 500 साल पहले इस मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी, पर कोई ऐसा प्रमाण अभी तक हम नहीं दे पा रहे थे, जो कि हमसे सभी मीडिया से माध्यम से पूछा जाता था, साथियों से पूछा जाता था, और पूरे देश के जितने भी हमारे संत लोग यहाँ आते थे तो वो भी इस बात की जानकारी लेना चाहते थे कि इसके अंदर 500 साल पुराना जो ये स्थापित मंदिर है तो इसकी एक ओरिजिनलिटी क्या है। जब हमने इसके अंदर इसके ऊपर जब कार्य करना शुरू किया तो जो जैन धर्म में सबसे बड़ी बात मानी गई है कि कोई भी मंदिर जो भी देश के अंदर है उसकी जो नेत्र है, दृष्टि है, वो दोष नहीं होना चाहिए। इसका मतलब दृष्टि दोष का मतलब है नेत्रों को ईश्वर भगवान की जो भी आपने प्रतिष्ठा की है उसकी स्काई टू आसमान, मतलब आसमान से उसको नीचे तक क्लियर नेत्रों का जो एक एंगल होना चाहिए, जो माना गया शास्त्रों के हिसाब से। वास्तुकला भी इसी पर ही आधारित है, वास्तुकला के अंदर भी सबसे पहले कोई चीज़ मानी गई है तो वो मंदिरों से ही निकली है वास्तुकला, और मंदिरों के बाद ही आज हम उसको अपने घरों में या जिस तरीके से प्रतिष्ठानों में मान रहे हैं और आगे बढ़ते गए। और जो भी विविधाएँ थी ईश्वर की कृपा थी, भगवान की कृपा थी, वो दूर हुई, और जो प्राचीन जिस तरीके का इतिहास नीचे देखने को मिला और जिस तरीके का इतिहास हमने नीचे देखा तो ऐसा लगता है कि जो अभी आपको प्रेस नोट में भी है कि बताया गया कि जिस तरीके से उस समय जब ये मुगल काल के टाइम में और जिस समय ये मंदिरों को बचाने के लिए जिस तरह प्रयास किए गए, हो सकता है उस समय पहले ये चीज़ ज़्यादा कोशिश की गई होगी कि मंदिर बचें कैसे, दोष को फिर बाद में देखा जाएगा। पर समाज जैसे जैसे आगे बढ़ता है पीछे की चीज़ें हमारा व्यक्ति नेचर होता है, इंसान भूलता है, हम शायद इन चीज़ों को भूल गए कि हम तो आज़ाद हो गए थे 70 साल पहले और 100 साल पहले, ये देश आज़ाद हो गया, मुगल से भी, अंग्रेज़ों से भी, सबसे आज़ाद हो गया, पर हमने ये कभी नहीं सोचा कि हमारे ईश्वर जो खुद कह दें, जिनके नेत्र कह दें, जिनकी दृष्टि कह दें, उसको किस तरीके से दृष्टि को आसमान के अंदर इसका ही करके लाया जाए जिससे कि समाज का विकास हो, देश का विकास। मंदिर की खुदाई के दौरान मिले अवशेषों को लेकर जैन दादावाड़ी में समिति के सदस्यों ने जैन दादावाड़ी के इतिहास को जानकारी देते हुए बताया कि उनके पूर्वजों द्वारा इस मंदिर को औरंगजेब के समय में बंद कर दिया गया होगा ताकि मंदिर को कोई नुकसान ना हो, लेकिन इन अवशेषों के मिलने से प्रमाणित हो गया है जैन दादावाड़ी मंदिर कितना प्राचीन है। देखिए, जहाँ तक हमारी जानकारी में है कि हमको किसी को मालूम नहीं था कि यहाँ प्राचीन सीढ़ियाँ भी है, लेकिन जब दृष्टि दोष खत्म करने के लिए इसका जानकारी करी गई तो ऊपर की दृष्टि दोष दूर करने के साथ साथ नीचे का जो मूल नायक था भगवान महावीर की प्रतिमा, वो राजा संपत्ति के टाइम की है। ये मूर्ति जो आपने नीचे देखी, राजा संपत्ति के हाथ की प्रतिष्ठित है मूर्ति, तो उसका भी दृष्टि दोष दूर करने के लिए जब हम लोगों ने विचार किया तो सोचा कैसे दूर करें, तो जब उसको खुदाई करी गई तो वहाँ प्राचीन जीने निकले जो इस बात को दर्शाते हैं कि ये बहुत प्राचीन मंदिर रहा होगा और मुगलों से बचाने के लिए इसको बंद कर दिया गया। जैसे आपने आमतौर से देखा होगा तमाम जैन मंदिर फतेहपुर से गिरे, मुगलों से अगर बचाना होगा तो दो रास्ते हैं, जो पीछे से रास्ता आ रहा है वहाँ से भी वो रास्ता नीचे मंदिर को जाता है। नहीं, वो रास्ता बाद में बनाया गया होगा, जब ये मंदिर 140 साल पहले ये मंदिर बना था ऊपर का,
तब उस मंदिर को शायद नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई। बचाने के लिए मंदिर को? हाँ नहीं, बचाने के लिए नहीं, उस समय तो मुगल अंग्रेज़ों का शासन था उस समय, तो ऊपर नीचे जाने के लिए दर्शन मात के लिए उन्होंने वो सीढ़ियाँ बनाई गई होंगी हमारे पूर्वजों ने, लेकिन जो मूल रास्ता था जो अब खुदाई में मिला है इसकी जानकारी नहीं थी। सर्वप्रथम तो मैं सभी मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम अपनी आवाज़ को, अपनी बात को जन जन तक पहुँचा सकें। और जैसा कि मेरे पूर्व ट्रस्टियों ने बताया, ये एक ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ पर बहुत सा इतिहास है जिसकी कि उन्होंने पूरी विस्तृत रूप से आपसे चर्चा की है और आपको दिखाया भी है, और दृश्य के माध्यम से आम जनता भी इस बात से भलीभूत अवगत हो जाएगी कि वास्तविकता में यह 450 साल पुराना मंदिर है। फिलहाल मामले की जानकारी पुरातत्व विभाग को देने की बात कही जा रही है, ताकि पुरातत्व विभाग की टीम मंदिर की खुदाई के दौरान मिले साक्ष्यों का सही आंकलन कर पता लगा सके कि खुदाई के दौरान मिली सीढ़ियां, दीवार और वेदी कितने साल पुरानी हैं। अनिल, सी न्यूज़, आगरा।